दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल के 2023 में दिए जा रहे सबसे सस्ते वैलिडिटी रिचार्ज प्लान के बारे में बात करेंगे, जिनसे आप इनकमिंग कॉल्स और इनकमिंग एसएमएस का बेनिफिट ले पाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहां पर काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक से ज्यादा सिम कार्ड यूज करते हैं और हर महीने ऐसे में 250-300 रुपए का रिचार्ज कराना सही नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल के सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान के बारे में बताने वाले हैं, जिनसे आप अपने सिम कार्ड को चालू रख पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दोस्तों आप हमें जरूर से कमेंट करके बताएं कि आप कौन कौन से टेलीकॉम ऑपरेटर का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान के बारे में। तो दोस्तों बीएसएनएल की ओर से हमें प्लान देखने को मिलता है 49 रुपए का, जो की बीएसएनएल की ओर से सबसे कम कीमत वाला वैलिडिटी रिचार्ज प्लान है। और इस प्लान में बेनिफिट के रूप में आपको 100 मिनट का टॉक टाइम मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे आपको टोटल 1 GB डेटा मिल जाता है और इस प्लान की वैलिडिटी आपको 15 दिनों की मिलती है। आपको बता दें इस प्लान में आपको कोई भी एसएमएस की सुविधा नहीं मिलती है। और बीएसएनएल की ओर से हमें दूसरा प्लान देखने को मिलता है 94 रुपए का, जहाँ पे आपको टोटल 200 मिनट का टॉक टाइम मिल जाता है और यहाँ पे आपको टोटल 3 GB डेटा मिलता है और इस प्लान में भी आपको कोई भी एसएमएस की सुविधा नहीं मिलती है और साथ ही इस प्लान की वैलिडिटी आपको 30 दिनों की मिल जाती है बीएसएनएल की ओर से। वहीं दोस्तों बीएसएनएल की ओर से हमें अगला प्लान देखने को मिल जाता है 107 रुपए का, जहाँ पे आपको बेनिफिट्स में टोटल 200 मिनट का टॉक टाइम, टोटल 3 GB डेटा मिल जाती है और इसमें आपको कोई भी एसएमएस की सुविधा नहीं मिलते हैं और इस प्लान की वैलिडिटी आपको पूरे 40 दिनों की मिल जाती है बीएसएनएल की ओर से। तो दोस्तों अगर आप जो बीएसएनएल का सिम कार्ड यूज करते हैं सेकेंडरी सिम के रूप में, तो आप बीएसएनएल के इन प्लान्स को लेकर अपने सिम कार्ड को एक्टिवेट रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वीआई के प्लान्स के बारे में। वीआई की ओर से हमें प्लान देखने को मिलता है 99 रुपए का। इस प्लान में बेनिफिट्स के रूप में 99 रुपए का टॉक टाइम मिल जाता है, यहाँ पे आपको टोटल 200 MB डेटा और इस प्लान की वैलिडिटी आपको 28 दिनों की मिल जाती है। आपको बता दें इसमें आपको कोई भी आउटगोइंग एसएमएस की सुविधा नहीं मिलती है। और दोस्तों वीआई की ओर से हमें अगला प्लान देखने को मिलता है 107 रुपए का, जहाँ पे आपको बेनिफिट्स के रूप में 107 रुपए का टॉक टाइम मिल जाता है। इस प्लान में आपको टोटल 200 MB डेटा मिलता है और इस प्लान की वैलिडिटी आपको 30 दिनों की मिल जाती है और इसमें भी आपको कोई भी एसएमएस की सुविधा नहीं मिलती है। वहीं दोस्तों वीआई की ओर से हमें 111 रुपए का भी प्लान देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको टोटल 111 रुपए का ही टॉक टाइम मिल जाता है। इसमें आपको 200 MB डेटा मिलता है, इस प्लान में आपको कोई भी एसएमएस की सुविधा नहीं मिलती है और इस प्लान की वैलिडिटी आपको पूरे 31 दिनों की मिल जाती है। दोस्तों वीआई की और से ये सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान है, जिनमें आप जो है अपने सिम कार्ड को एक्टिवेट रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं एयरटेल के प्लान के बारे में। तो दोस्तों हमें एयरटेल के और से सबसे कम का रिचार्ज प्लान देखने को मिलता है 99 रुपए का, जहाँ पे बेनिफिट्स के ऊपर 99 रुपए का टॉक टाइम मिल जाता है। इसमें आपको टोटल 200 MB डेटा मिलता है और इसमें बात करें अगर एसएमएस की, तो इसमें आपको कोई भी एसएमएस की सुविधा नहीं मिलती है और इस प्लान की वैलिडिटी आपको मिल जाती है 28 दिनों की। वहीं दोस्तों हमें एयरटेल के और से दूसरा प्लान देखने को मिलता है 111 रुपए का, जहाँ पे आपको टोटल 99 रुपए का टॉक टाइम मिल जाता है। इसमें आपको टोटल 200 MB डेटा की सुविधा मिलती है और इसमें आपको कोई भी एसएमएस की सुविधा नहीं दी जा रही है। बात करें अगर प्लान की वैलिडिटी की, तो यहाँ पे आपको जो है 1 महीने की प्लान वैलिडिटी मिल जाती है, यानी कि अगर आप इस रिचार्ज प्लान को 1 तारीख को लेते हैं, तो अगले महीने के 1 तारीख को आपका रिचार्ज प्लान जो है खत्म होगा। दोस्तों एयरटेल की ओर से ये सबसे सस्ते वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान है, जिनसे आप अपने सिम कार्ड को एक्टिवेट रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जियो के रिचार्ज प्लान के बारे में। तो जियो की ओर से दोस्तों हमें सबसे कम कीमत वाला रिचार्ज प्लान देखने को मिलता है 119 रुपए का, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, रोजाना 1.5 GB डेटा और टोटल 300 SMS की सुविधा मिल जाती है और इस प्लान की वैलिडिटी आपको 14 दिनों की मिलती है जियो की ओर से। बाकी दोस्तों अगर आप जो अपने जियो नंबर पर कोई भी रिचार्ज प्लान नहीं लेते हैं, फिर भी यहाँ पे आप इनकमिंग कॉल्स और इनकमिंग SMS का बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी आपको जियो के अलावा वीआई, एयरटेल और बीएसएनएल में इनकमिंग बेनिफिट्स के लिए भी आपको रिचार्ज प्लान लेना होता है। वैसे दोस्तों अभी आप कौन सा सिम कार्ड यूज कर रहे हैं और आपने कितने रुपए का रिचार्ज प्लान लिया है, आप हमें इस वीडियो के नीचे जरूर से कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।